हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम जेसर होम मेड रेसिपी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं पपीते की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि आप देखते ही तुरंत बनाओगे, देख लेना। सबसे पहले दो पपीते लिए थे, उन्हें छीलकर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करा और फिर एक कुकर में डाल दिया। 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया, 3-4 चम्मच इसमें मैंने पानी ऐड किया, इससे ज्यादा पानी नहीं ऐड करना, और 4 सीटी आने तक पका लिया। फिर सीटी निकल गई तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया था, देखिए गल गया एकदम से, देखिए ना। तो एक कढ़ाई में डाल लेते हैं और गैस पे रखते हैं, अब फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और अच्छे से यूं अच्छे से, मतलब ये गल गए हैं, नहीं तो आप इसे मेशर से अच्छे तरीके से मेश सकते हो, बट ये बहुत अच्छे से गल गए थे देखिए। तो जब तक इसका एक्स्ट्रा पानी जले तो इधर इसे पकने देते हैं और अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो इस तरफ है ना गैस के, मैंने एक कढ़ाई को और रख दिया है। फिर मैंने यहाँ पर चीनी ली थी, तो फ्रेंड्स मीठा आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर 150 ग्राम चीनी ली थी। और जब तक ये मेल्ट हो इसे होने देते हैं मतलब। और इधर देखिए मैं इधर भी संभाल लेती हूँ, मतलब दोनों गैस पे अपना काम होता रहेगा। तो ये देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है ना, तो बस अच्छे से चला लिया, और ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे मेल्ट होने में, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट ही लगती है। तो अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है, मैंने फ्लेम को ऑफ किया और 1 गिलास दूध इसमें ऐड कर दिया। तो आपको एक बार जब आप दूध डालते हो ना, तो हर हर किसी की रेसिपी में यही होता है, पर आपको कोई दिखाता ही नहीं है कि एकदम से चाशनी एकदम टाइट हो जाती है, पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे पकाओगे एकदम से घुल जाती है, ये देखिए ना। फिर 2 चम्मच मैंने घी इसमें और ऐड कर दिया है, मतलब 2 तो अपन ने उसमें किया ही था, पपीते वाले टुकड़ों में डाला था, और यहाँ पर 2 चम्मच घी मैंने और डाल लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरफ पानी कितना जल गया, मतलब बहुत कम पानी रह गया। फिर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉफी पाउडर लिया था, कोको पाउडर सॉरी, तो वो ऐड कर दिया। आप इसे अवॉइड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप कोई कलर डाल सकते हो, फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर 1 बाउल भरकर मिल्क पाउडर लिया था, तो आप अगर लम्स आप सोचो कि इसमें लम्स ना पड़ जाए, तो आप इसे पानी में घोल कर फिर भी इसमें ऐड कर सकते हो, पर कोई लम्स की कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मावा लिया था, तो वो मैंने घर का ही होममेड मावा लिया था, तो और मिल्क पाउडर भी मैंने 100 ग्राम ही लिया था। तो दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और इधर देखिए एकदम पानी इसने एकदम पानी जितना भी था ना वो सारा जल गया। तो बस फ्लेम को ऑफ करके सब कुछ इसमें डाल देते पपीता के जो जो अपने मतलब मेसा है ना, इसे इसमें डाल देते और अच्छे तरीके से पकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर जो पपीता नहीं खाता ना वो भी पपीता खाने लगेगा। फिर मैंने 3-4 इलायची को कूट कर वो डाल दिया इसके अंदर, ताकि अच्छी और ज्यादा खुशबू आए। और देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया सब कुछ, जो दूध के ना मिल्क पाउडर के जो लम्स थे ना वो भी एकदम मिक्स हो गए देख, है ना। फिर इसमें आप मतलब कोई भी एसेंस डालना चाहो ना तो वो डाल सकते हो, आपको जो पसंद हो। तो वेनिला एसेंस डाली थी मैंने 2 ही बूंद सिर्फ, बस इससे ज्यादा नहीं डालना। फिर उसी कढ़ाई को मैंने गैस पर रखा, 2 चम्मच घी और ऐड कर दिया। तो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर बादाम ही लिया है। अच्छी तरीके से उसे 2 टुकड़ों में कट किया था, अच्छी तरीके से फ्राई किया, और बस सबका सब इसी में ऐड कर देते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लो और 2-3 मिनट और पका लेते हैं, ताकि एकदम से ये कढ़ाई छोड़ने लगे मिशन। तो ये देखिए फ्रेंड बहुत जल्दी ही कढ़ाई छोड़ने लगेगा, आपको दिखा देती हूँ मैं धीरे धीरे, मतलब इतनी महक आ रही मैं आपको बता नहीं सकती, देखिए आपको दिख रहा ना। और फिर भी आपको ऐसे लगे क्या पता सेफ हो या ना हो, तो थोड़ा सा लेकर इस तरीके से आप घुमाकर देख लीजिए, एक गोली सी बन रही है तो बस सेट हो जाएगा। और नहीं भी अगर आप सेट करना चाहो ना, तो एकदम यूं ही गर्मा गर्म डालकर खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही हेल्दी भी है। और फ्रेंड्स जो भविता नहीं खाता ना वो जरूर से खाएगा, ट्राई करके देख लीजिए, अच्छी लगे रेसिपी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अच्छे तरीके से इसे शेक किया मैंने, और कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया था इसे, और फिर मैंने इसे निकाला है बाहर, और अब इसे मतलब इस बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है ना, तो एक प्लेट को उल्टा करके और उसमें निकाल लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा हल्का सा दबा देते हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स वाह अच्छे तरीके से सेट हो गया ना। तो बस थोड़ी सी अगर आप चांदी के व्रत वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे डेकोरेट करना चाहो वैसे कर सकते हो। थोड़े से मैंने बादाम को रख लिया था, तो वो भी 1-2 लगा देते हैं। ये देखिए वाह कितनी मस्त बनी है ना, देखकर ही लग रही है ना, तो खाकर भी देखिए, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है,
और बनाने में इजी है। और ज्यादा पपीते आ जाते हैं ना, तो ऐसे पपीता कोई नहीं खाता है। इस तरीके से आप बना कर दोगे तो सब मान कर खाएंगे। ट्राई करके देख लीजिए, अच्छी लगे रेसिपी तो शेयर करना। और फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट जरूर